हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, वृंदावन में रुके हुए हैं और रात आ गए थे यहाँ पे वृंदावन बरसाने से। तो सुबह गए थे 1:30 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए और अभी बजे हैं 7:45। दोबारा उठ गए हैं, दर्शन करके सो गए थे हम और अब जा रहे हैं बाहर चाय पीने। बाहर चाय बन के तैयार है तो चलते हैं। अब दोनों लोग चाय पी के फिर नहा धो के फिर जाएंगे हम बांके बिहारी के दर्शन करने। तो राधे राधे। तो अभी निकल आए होटल से, चल रहे हैं अभी बाहर टहलने के लिए। तो दोस्तों, हो गए स्नान और स्नान करके हो गए रेडी। पूजा हो गई, ध्यान हो गया और अब चलने की तैयारी बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा होटल को कैसा है। होटल होटल कम धर्मशाला है, होटल जैसी बन रही है धर्मशाला। और धर्मशाला होने की वजह से ना तो रूम में साबुन कॉम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बाहर से मार्केट से खरीद के लाए हैं। अभी तब नहाना धोना हुआ है और मेरे तो वैसे भी बिना शैम्पू के हो ही नहीं रहते सेट, क्योंकि बहुत सारा गुलाल वगैरह इसमें कल बरसाने में जब होली खेली थी तो बहुत सारा चला गया था। तो ऐसे हो भी नहीं रहे थे, मतलब ऐसे इतना सारा भर गया था। तो अब थोड़ा सा लग रहा है नहा धो के फिट एकदम। तो लेकिन जो मज़ा है ना, ये सुकून है। नाम इसीलिए वृंदावन है इसका। कण कण में मेरे कान्हा मेरी राधा है यहाँ। तो उस चीज़ का एहसास होता है। ऐसा नहीं कि भाई हम शहर घूमने आए और जैसे हम अपने शहर में रहते हैं या किसी दूसरे शहर में जाएं, लेकिन जो यहाँ की हवा, धूल, मिट्टी, कण जो भी है ना, वो फील कराते हैं कि हम वृंदावन में हैं। लोगों के चेहरे भी मुझे अलग से लगते हैं यहाँ पर। चेहरे सब हर जगह के एक जैसे ही हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि भी काले पीले हैं। लेकिन वृंदावन के लोग जब सामने से दिखता है ना, तिलक और राधे राधे लिखा हुआ और वो, तो ये फील अलग से आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है। लग ही नहीं रहा है कि धर्मशाला है, नाम धर्मशाला है और बिल्कुल वो बिल्डिंग होटल जैसी है। कॉम लिया था मार्केट से, इसे यहीं छोड़ देता हूँ, किसी के काम आएगा मेरे जाने के बाद रूम में। ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे सोसाइटी हो पूरी। तो अब जा रहे हैं हम बांके बिहारी के दर्शन करने। बांके बिहारी के दर्शन करके फिर जाएंगे वापस अलीगढ़। तो यहाँ की हवा, पानी, सब ऐसा लग रहा है जैसे राधे राधे की आवाज़ आ रही है। होटल से निकल लिए, चलते हैं अब मंदिर के लिए, बांके बिहारी के दर्शन के लिए। वृंदावन की कुंज गलियों में हम घूम रहे हैं ई रिक्शा से। तीनों लोकन ते प्यारी राधा रानी हमारी, बोल बांके बिहारी लाल की है। राधे राधे। तेरह 14 फरवरी को मैं वृंदावन में था। वैलेंटाइन डे को मैं गया था बिहारी जी के और दर्शन करने। तो दीपक भाई की कॉल आई थी, ये नगरकोट गए हुए थे माता रानी के दर्शन के लिए। इन्होंने तुरंत मेरे को कॉल किया कि भाई अकेले जा रहे हो वृंदावन,
दर्शन करने हैं। मैंने कहा अभी तो फैमिली के साथ आया हूँ, पर करूँगा तुम्हारे साथ भी दर्शन। लेकिन उस टाइम मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे, आप सभी लोगों को पता है, पट बंद हो गए थे। लेकिन आज फिर मौका मिला है मुझे बांके बिहारी मंदिर जाने का, बांके बिहारी के दर्शन करने का, तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए। जा रहे हैं, जिसको जहाँ जैसे दर्शन होने हैं वहाँ होंगे ही, उस टाइम नहीं होने थे, आज होने हैं तो आज होंगे। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मेरे लिखे हुए थे तो मेरे कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सुबह बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, सौभाग्य से बरसाने जाने का मौका मिला, होली खेलने का भी मौका मिला। बहुत अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है, बता नहीं सकता मैं। आए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, अब जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। राधे राधे की बोल, राधे राधे। यार बाकी रानी का जैसे दर्शन मिले यार प्रसाद के लिए, हनुमान जी का प्रसाद ला दिया। तो दोस्तों निकल लिए अलीगढ़ के लिए, और अभी वृंदावन ही चल रहा है, निकल रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं अब बस। राधे राधे। तो दोस्तों आ गए घर, जस्ट अभी शगुन बाहर से ले आया था, मैं बाहर ही उतर गया था अपनी कॉलोनी के, क्योंकि जाम वगैरह की वजह से गाड़ी फंस जाती, तो इसके लिए हाँ शगुन को बुला लिया। शगुन लेने आ गया था मुझे, तो पहुँच गए आ गए घर। तो राधे 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 राधे, 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 राधे।